नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कोचिंग होम 24 पर। तो वीडियो में बात करेंगे हिमाचल में जयराम को हटाकर अनुराग ठाकुर बनेंगे सीएम। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका सारे डाउट जो है यहां से क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं मंडी में बीते दिन हुई आम आदमी पार्टी की रैली जो है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जनता का जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन देखने को मिला है। तो इसी बीच जो है एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जयराम को हटाकर अनुराग को हिमाचल का सीएम बना सकती है बीजेपी। तो ये कहना है डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया का। तो उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो मंडी में आम आदमी पार्टी की रैली हुई है उससे जो है बीजेपी घबरा चुकी है। तो पूरी न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को हटाकर अब बीजेपी अनुराग ठाकुर को सीएम बना सकती है, ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। तो देखिए, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आज उन्होंने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि हिमाचल में जो जयराम सरकार है वो नाकाम रही है, उसी नाकामी को छिपाने के लिए जो है बीजेपी अब अपना सीएम बदलने वाली है। तो बड़ी न्यूज़ इस समय निकल कर आ रही है, जिसमें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो मंडी में आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी उससे बीजेपी घबरा चुकी है, और दिल्ली की जनता ने जो केजरीवाल पर भरोसा जताया है, और साथ ही जो जनता पंजाब की है उसने जो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है, इसी को देखते हुए हिमाचल की बीजेपी सरकार में अब घबराहट पैदा हुई है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की जयराम सरकार ने ना तो युवाओं के लिए कुछ किया है, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ काम हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसी नाकामी को देखते हुए हिमाचल में बीजेपी सीएम बदलने जा रही है, ताकि जनता को ये विश्वास दिलाया जा सके है कि हमने पुराने सीएम को हटा दिया है, लेकिन सच तो यह है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जानकारी दी है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के में जो गुड गवर्नेंस मॉडल है उसमें उससे जो है बीजेपी में खौफ है, 4.5 साल में जयराम सरकार ने हिमाचल में कुछ भी नहीं किया है। तो इसी बीच जो है ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कमेंट में कि क्या हिमाचल सरकार या बीजेपी सरकार हिमाचल में ऐसा कुछ करने वाली है। अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह का होने वाला है तो कमेंट में यस लिखें, और अगर आप बात से सहमत नहीं हैं तो कमेंट में नो लिखें। और आप ये भी जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो जयराम हिमाचल में जो जयराम सरकार है वो हिमाचल में नाकाम रही है। अगर आपको लगता है हाँ, तो इसका जवाब भी नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। धन्यवाद।